केरल के पेरियार नदी पर बने इडुक्की बांध में बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए सरकार ने बांध के गेट को 26 साल बाद खोलने का फैसला लिया है, जिससे लाखों लोगों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है। देश का दक्षिणी भाग केरल में लगातार बारिश ने आफत मचा दी है। वहीं केरल के पेरियार नदी में बने इडुक्की बांध का जलस्तर भी खतरे के करीब पहुँच गया है, जिससे वहाँ के हालात चिंताजनक हो गए हैं। केरल सरकार ने बांध के गेट को खोलने का फैसला लिया है। इस बांध के गेट 26 सालों के बाद खोले जाएंगे। गेट से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति भयानक रूप ले सकती है, जिसे देखते हुए सरकार ने राहत दल के अलावा थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक बल को सतर्क रहने को कहा है। वहीं सरकार ने राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि बांध का जलस्तर 2394.72 फुट पर पहुंच गया है, जबकि बांध की अधिकतम क्षमता का स्तर 2403 फुट ही है। बांध से 2-3 घंटे के लिए पानी छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि पानी के बहाव के रास्ते में कोई अवरोध या ऐसी चीज न आए जिससे नुकसान का डर हो। पानी छोड़े जाने से एक बड़ा क्षेत्र पानी में डूब जाएगा, जिससे ऐसे इलाके के लाखों लोग घर छोड़ने को भी बेबस हो गए हैं।